कल भी, आज भी, देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। चीन अपनी आदतों से लाचार है, एक ओर वो बातचीत का ड्रामा करता है, दूसरी ओर हिंदुस्तान की जमीन हड़पने का ख्वाब देखता है। दुस्साहसी ड्रैगन की नियत में खोट है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लिहाजा हिंदुस्तान हर मोर्चे पर अलर्ट है। एलएसी पर चीन की करतूतों से अप्रैल में ही विवाद की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसका तनाव अभी भी बरकरार है। हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। चीन ने जो किया उसका अति था गलवान। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के शूर वीरों ने चीनी सैनिकों को ऐसी सबक सिखाई कि चीन अपने जवानों की लाशों की गिनती भी नहीं बताना चाहता। गलवान से सबक लेते हुए चीन कई बार बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की अपील कर चुका है। हिंदुस्तान ने भी दरिया दिली दिखाते हुए बातचीत की पहल मानी है। 15 जून की झड़प के बाद से अब तक 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा क्या निकला? बातचीत की आड़ में चीन अपनी तैयारियों को अंजाम देता रहा। फिंगर फोर से तनाव घटा तो जरूर, लेकिन वो अपने वादों के मुताबिक पीछे नहीं हटा। और तो और कई इलाकों में नए स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं, तैनाती भी बढ़ा दी है। फिलहाल जो ताजा हालात हैं उसके मुताबिक फिलहाल चीन पेंगोंग में फिंगर 5 पर मौजूद है। फिंगर 4 के रिज लाइन पर भी चीनी सेना मौजूद है। पेट्रोल पॉइंट 17A गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में भी पीएलएफ पीछे नहीं हटी। चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच के इलाके में काफी कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। देपसांग में भी तनाव बना हुआ है, हालांकि गलवान और पेट्रोल पॉइंट 15 में काफी हद तक तनाव कम हुआ है। पहला चीज ये साबित करता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है। चीन दूसरी जो बात है कि चीन धैर्य का खेल खेल रहा है कि किसी तरह से मामला को आगे बढ़ाते जाओ। और तीसरा जो स्ट्रेटजी है चीन का कि हिंदुस्तान को बातचीत में उलझा के रखो, उसको थका दो, ताकि थक के हिंदुस्तान कहे कि ठीक है, जो जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा रहे। चीन की कथनी और करनी का फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। उसने वादा किया था कि उसकी सेना अप्रैल वाली स्थिति में चली जाएगी, लेकिन अब तक उसने तनाव कम करने का वादा पूरा नहीं किया है। उसे चीन को आईना दिखाने के लिए एक बार फिर बैठक हो रही है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 18वीं बैठक है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच ये अहम मीटिंग है। राजनयिक स्तर पर चीन को समझाने की तैयारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए WMCC की मीटिंग हो रही है। इससे पहले पिछले एक महीने में कई बार सैन्य स्तर और डिप्लोमेटिक स्तर की चीन के साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। पूर्वी लद्दाख में अभी भी कई जगहों पर चीन डटा हुआ है और इसके पीछे उसकी साजिश भी नजर आ रही है। चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार 24 जुलाई को दोनों देशों ने हालात की समीक्षा की। अभी 14 अगस्त को ही चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री ने भी चीनी अधिकारियों से बात की और देश का पक्ष रखा, लेकिन वही ढाक के 3 पार। चीन अड़ा हुआ है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा भारत ने भी जवानों की तैनाती में कोई कमी नहीं की है। अप्रैल मई विवाद के बाद से पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में आर्मी एयरफोर्स की तैनाती की गई थी।
जो अब तक दुश्मन पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब नजरें राजनयिक बातचीत पर टिकी हैं।